So we are starting with chapter number 4, maths part 1, sequence and series. Chapter number 4. Sequence. सबसे पहले विल स्टार्ट विथ सीक्वेंस. सीक्वेंस तीन टाइप के. द फर्स्ट सीक्वेंस इज एपी विच इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सेकेंड सीक्वेंस इज जीपी विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. And the third progression is HP, which is harmonic. ये तुम लोग first time, वैसे तो GP भी first time ही पढ़ोगे. So there are total three progression: AP, GP and HP. HP is थोड़ा नया actually. AP already तुम लोग ने पढ़ चुके हैं 10th standard में. AP already हो चुका है. So in 11th standard, you have to be more focused on these two sequence only, GP and HP, that is geometric progression or harmonic progression. But before starting with GP, मैं तुम्हें AP का थोड़ा briefing कर दूंगा ताकि तीनों चीज़ एक बार recollect हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है? But 11th में AP का कुछ भी नहीं है, ठीक है? Already हम पढ़ चुके हैं, but still थोड़ा सा एक brush up और उसके form में एक बार तुम लोगों को मैं बता देता हूँ. सबसे पहले AP, ठीक है? एपी मीन्स वॉट? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और ये कब होता है? जब तुम्हारे पास सिक्वेंस में, मतलब जो भी तुम्हारे पास सिक्वेंस है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, देन वी कैन से दैट द सिक्वेंस इज इन एपी. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 2 एंड देन 5 देन 8 देन 11 एंड देन सो ऑन. यहाँ पे मेरे पास जो दिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो इनके बीच का जो गैप है, जैसे अभी 5 माइनस 2 करूंगा मैं, गैप कितना आएगा? 3. 8 माइनस 5 करूंगा, गैप कितना आएगा? 3. 11 माइनस 8 करूंगा, गैप कितना आएगा? 3. सो मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप निकाला एंड दैट गैप, दैट डिफरेंस इज अ कांस्टेंट. सो वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज इन एपी. और अगर सीक्वेंस एपी में है, सपोज इफ यू नो द सीक्वेंस कि ये एपी में है, सो दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द से 10th टर्म क्या रहेगा, 12th टर्म क्या रहेगा या 15th टर्म क्या रहेगा, मतलब इन दैट सीक्वेंस, इन दैट पैटर्न, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म मतलब कि 15th टर्म क्या रहेगा, कुछ ऐसा गैप देने के बाद पूछेंगे. सो फॉर दैट यू शुड नो द जनरल टर्म का फॉर्मूला. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज nth टर्म एंड दिस इज टी एन का फॉर्मूला. इसको टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दिस टी एन रिप्रेजेंट द एंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है? जिसमें ए और डी, ए रिप्रेजेंट माय फर्स्ट टर्म, डी रिप्रेजेंट माय कॉमन डिफरेंस, ठीक है? और एन मतलब जो तुम्हें टर्म निकालना है. टी 7 निकालना है तो एन की वैल्यू 7 डाल देंगे. T20th निकालना तो n की वैल्यू 20 डाल देंगे एंड सो ऑन, ठीक है? नाउ दिस इज जनरल टर्म. उसके बाद एक और फॉर्मूला था, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज एस एन. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है. और एक और फॉर्मूला है एस एन का, एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, वेर ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एंड एल रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म. A represent the first term and L represent the
लास्ट टर्म, तो ऐसे इनके दो फॉर्मूले थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एपी। तो एपी में जो फॉर्मूले यूज थे मैंने बता दिए थे, एंड एप्लीकेशन यू नो, बस तुम्हें एन की वैल्यू पुटअप करनी है, यू कैन कैलकुलेट द एंथ टर्म एज वेल, और अगर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो भी वहां पे एन की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो सम ऑफ दैट टर्म्स, जैसे सम ऑफ फाइव टर्म्स या सम ऑफ सेवन टर्म्स, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। नाउ थोड़ा सा भी मैं जीपी के बारे में बेसिक बता दे रहा हूँ। व्हाट इज इन जीपी? जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो और ये तुम्हें इन डिटेल्स पढ़ना है। जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज है कि उसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है, द सेम वे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रॉपर्टी ये है रेशियो कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, रेशियो इज कांस्टेंट, द रेशियो इज कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेशियो। सपोज आई एम राइटिंग अ फ्यू टर्म्स, 2, 6, 18 54 एंड सो ऑन। सबसे पहले बात मैं चेक करता हूँ ये एपी में है क्या, 6 - 2 = 4, 18 - 6 = 12, तो एपी में तो है ही नहीं, डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। तो आई विल चेक फॉर द रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, दिस इज योर फर्स्ट टर्म विच इज T1, दिस इज योर सेकेंड टर्म T2, T3, T4 एंड सो ऑन। तो हियर आई विल कैलकुलेट द रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म जैसे डिफरेंस निकालते हैं T2 - T1, तो रेशियो अगर निकालना रहेगा तो T2 / T1 करते हैं, मतलब ये T2 / T1, तो कितना वैल्यूज है, इट्स अ 6 / 2, कितना आंसर आएगा, 3। सिमिलरली सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो निकालेंगे विच इज T3 / T2, इट इज अगेन 18/6, अगेन द आंसर इज 3। एंड देन आई विल कैलकुलेट द थर्ड विच इज T4 / T3 विच इज 54/18, इट इज अगेन 3। तुम्हारे पास, तुमने नोटिस किया कि हर एक वैल्यूज जो मैंने रेशियो निकाला ऑल कम्स 3, सो वी कैन से दैट रेशियो इज कॉन्स्टेंट। और अगर रेशियो कांस्टेंट है सो वी कैन से दैट जो तुमने सीक्वेंस लिखा है इट इज इन जीपी, इट इज इन व्हाट, जीपी, दैट्स इट। समझ में आ? तो जीपी में तुम्हारे पास क्या रहेगा, रेशियो इज कांस्टेंट, रेशियो इज कांस्टेंट। अगेन यहां पे फिर से तुम्हारे पास फॉर्मूला में पढ़ना है टू कैलकुलेट द nth टर्म। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला है विच इज Tn, इट्स a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। क्या है nth टर्म का फॉर्मूला, इट इज a ब्रैकेट में r रेस टू एन माइनस वन, वेर a रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड वेर r रिप्रेजेंट द कॉमन रेशियो। A represent the first term of the sequence and R represent the common ratio. ठीक है, ये फॉर्म में याद करना है nth term के लिए। और GP में sequence कब रहेगा, जब ratio constant रहेगा। So in the first exercise तुम्हें सिर्फ ये एक formula learn करना है, Tn is equal to A bracket में R raised to n minus 1. So I will start with the exercise. Verify whether the following sequences are GP. If so, find TN. तो अगर GP में है तो TN निकालना है। तो चेक करना कौन से सीक्वेंस GP में है और कौन से नहीं है। और जो भी सीक्वेंस GP में है तो उनका तुम्हें nth टर्म भी निकालना है। तो GP के लिए यही चीज है कि जो भी टर्म्स दिए
we'll calculate the ratio. Agar all ratios are equal, then only we can say that the sequence is in GP. Okay, let's start. Exercise 4.1. Verify whether the following sequences are in GP. So first question tumhare paas diya hai. 2, 6, 18, 54 and so on. I think ye jo first example maine liya. ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया 2, 6, 18, 54 सेम क्वेश्चन और ये सबका रेशियो सेम आता है मतलब सीक्वेंस इज इन जीपी तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा डायरेक्टली द अबव सीक्वेंस इज इन जीपी सेम रेशियो जैसा मैंने निकाला ऊपर सेम वे में द अबव इज इन जीपी एंड इफ द अबव सीक्वेंस इज इन जीपी फाइंड टी एन बोला अगर जीपी में है तो टी एन में निकालना है तो टी एन का फॉर्मूला है A R raised to n minus 1. तो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें A और R पता होना चाहिए. A represent the first term, which is my 2. R represent the common ratio, which is 6/2, जो कि 3 आया था सब में common ratio. तो बस A की value 2 और R की value 3 substitute करना है. तो T n A 2 रखना है और R की value 3 raised to n minus 1. याद रखना कि ये 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं हो गए दीज आर टू डिफरेंट टर्म 3 के पास पावर है तो अगर तुम्हारे सिंपलिसिटी के लिए तुम इसको ऐसा ब्रैकेट डाल सकते हो सो दैट मल्टीप्लाई नहीं करना तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है द nth टर्म दैट इज tn इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3 रेज टू n माइनस 1 ठीक है तो इस क्वेश्चन में यही करना है कि तुम्हें सबसे पहले चेक करना है कि सबका रेशियो अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो इट इज इन जीपी और अगर जीपी में है तो यू हैव टू गेट nth टर्म एंड इनकेस अगर जीपी में नहीं है सपोज रेशियो अलग अलग आ रहे पहले का रेशियो 2 आया दूसरे का रेशियो 3 आया सो वी कैन राइट द अबव सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी और उसमें फिर टीएन नहीं निकालना ठीक है सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है तो ये भी तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है विद ग्राफिकल सो दैट यू हैव टू सॉल्व और जो भी तुम्हें डिफिकल्टीज आ रही है वो फिर ग्रुप में शेयर कर दो ठीक है बट एटलीस्ट ये प्रैक्टिस आज की डेट में सेंड कर दो मुझे ठीक है सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू